हमारा बाड़मेर हमारा बाड़मेर जब से नवो बाड़मेर अभियान शुरू हुआ है सफाई के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं बाड़मेर शहर के अंदर। ये हैं माणकराज हॉस्टल की विष्णु कॉलोनी से ताजा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। हॉस्टल के लोग यहाँ हैं, मोहल्ले के लोग हैं और चौमुंडा चौराहे से आगे जाने वाली रोड पर कचरे के अंबार होते थे, लोग निकलते नहीं थे। आज बच्चों ने सुबह सुबह सफाई अभियान चलाया है और यहाँ कई करीब 10 ट्रैक्टर ट्रोली कचरा इकट्ठा किया है अलग अलग जगह। हाईवे से निकलते ही एक पूरा प्लॉट कचरे से भरा हुआ है, नालियों का कचरा इन्होंने पूरी औजार से ठीक किया है। स्कूली बच्चे हैं, हॉस्टल के प्रबंधक माणकराज जी सुतार है, आज पूरा उपयोग किया गया है। माँ दुर्गा का पहला नवरात्रा है लेकिन शक्ति और भक्ति हमारे मन में तब आएगी जब हमारा दिलो दिमाग शरीर कॉलोनी साफ सुथरा हो। घर में लक्ष्मी तब आती है जब साफ सफाई हो। मोहल्ले के लोग मिलकर के माणकराज हॉस्टल के साथ काम कर रहे हैं लगातार। माणकराज जी सुथार यहाँ है, उन्होंने अपनी गली के लोगों के साथ मिलकर के नवो बाड़ अभियान का आगाज किया है। विष्णु कॉलोनी में लगातार शिकायतें आ रही थी लेकिन यहाँ लोग आगे आए हैं, लोगों को जागृत होना पड़ेगा, नवो बाड़मेर तब बनेगा। लेकिन कलेक्टर अकेला बाड़मेर को साफ नहीं कर सकते, अधिकारियों को भ्रमण करना होगा, दुकानदारों को साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, माणकराज जी हॉस्टल जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। साथ ही कई मोहल्ले के लोग हैं जिन्होंने विशेष रूप से इस अभियान में सहयोग दिया है। आज 3-4 गलियां पूरी जो है साफ सफाई की हुई नजर आ रही है। नवरात्रा की तो आपको शुभकामनाएं देते ही हैं, साथ ही ऐसा काम करने वाले माणकराज जी और विष्णु कॉलोनी के लोग जो है इन गलियों के, उनको भी बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने नवरात्रा के पहले ही दिन सफाई अभियान को हाथ में लिया है। बाड़मेर में नव बाड़मेर अभियान की तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही है। शहर से निकलकर निचली कॉलोनियों तक ये अभियान जा रहा है, अब नव बाड़मेर धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएगा। यहाँ के लोगों से बात करते हैं पूरी साफ सफाई अभियान पर, लेकिन गली मोहल्ले को साफ रखना आपका और हमारा धर्म है। अपनी कॉलोनी है, अपनों बाड़मेर है, साफ सुथरों बाड़मेर, नवो बाड़मेर। क्या नाम है सर और क्या अभियान चलाया आज? मेरा नाम कमल सिंह है, निवासी विष्णु कॉलोनी। आज नवो बाड़मेर के तहत सफाई अभियान चलाया स्थानीय माणकराज जी हॉस्टल के द्वारा, बच्चों द्वारा, और पूरी गलियों को विष्णु कॉलोनी की साफ सफाई की और नियंत्रण ये काम सफाई का चालू रहेगा और इसके तहत सभी से जागरूकता की अपील की गई है और सभी अपने घरों में गलियों में साफ सुविधा का विशेष ध्यान रखें और नियमित सफाई चालू रखें। अशोक जी क्या संदेश है आपका? मेरा तो संदेश यही है सर कि मैं नगर परिषद और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, साफ सफाई पर तो हम ध्यान दे रहे हैं लेकिन प्रशासन को भी ये ध्यान देना चाहिए। हम कचरा इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन प्रशासन वालों को भी ध्यान देना चाहिए, कचरे को वापस इसको संग्रहित करके लेके जाए। लेकिन प्रशासन वालों को अभी भी फोन किया लेकिन वो अभी भी नहीं आए। नियमित गाड़ी? हाँ, नियमित गाड़ी नहीं आती सर यहाँ पे। एक प्लॉट पीछे कचरे डंप किया हुआ पड़ा है वो आज से नहीं, कई बार वो नगर पालिका वालों को भी पता है, परिषद वालों को भी पता है, प्रशासन को भी पता है कि उसमें कचरा है लेकिन वो उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे और वो उनके भी वो जो बंदे साफ सफाई वाले आते हैं वो भी कचरा इकट्ठा करके वो भी उसी के अंदर डाल के जाते हैं। अब बार बार अवगत करवा दिया गया है लेकिन ऐसा है कि वो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको कई बार बोला कि सर ये साफ सफाई करवा लो लेकिन वो इस चीज को बिल्कुल भी उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती इस चीज से। मोहल्ले वासियों के साथ नगर परिषद की भी अनदेखी है। ये अनदेखी दिख रही है, एकदम साफ तौर पे दिख रही है अनदेखी। अभी भी हमने कचरा यहाँ इकट्ठा करके रखा है, उनको बार बार फोन कर लिया है ले वो बोल रहे 5 मिनट में आ रहे, 10 मिनट में आ रहे। आयुक्त साहब को भी फोन कर दिया, जमींदार को भी फोन कर दिया लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। हमको 1.5-2 घंटा हमको हो गया यहाँ सफाई कार्य करते हुए लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। माणक जी आपने स्वप्रेरणा से कार्य किया है अथवा आपको किसी ने कहा है? मैंने कलेक्टर साहिबा के जो ये नव बाड़मेर अभियान है इसके तहत ही मैंने काम शुरू किया है। हालांकि पहले भी हम साफ सफाई करते आए हैं पर मोटे तौर पे क्योंकि विष्णु कॉलोनी एक कच्ची बस्ती टाइप है तो यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, सड़कें सही तरीके से बनी हुई नहीं है, नालियाँ सही तरीके से बनी हुई नहीं है, नालियाँ अटी रहती है और बरसात का पानी है वो घरों में घुस जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने सोचा कि भाई जब कलेक्टर साहब ने यह अभियान चला दिया तो हॉस्टल के बच्चों को, सभी बच्चों को साथ में लेकर के और स्वच्छता की ओर अग्रसर होने के लिए हमने ये गली साफ करवाई है। साहब आपने माणकराज ये हॉस्टल ने जो काम किया है, ये मोहल्ले के लोगों ने काम किया है, ये तो बधाई के पात्र है लेकिन शहर के अधिकारियों, मोहल्ले के लोगों और हमारे लिए शर्मनाक स्थिति के बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं, मोहल्ले के लोग कचरा फैला रहे हैं,
बच्चों ने कचरा इकट्ठा किया, नगर पालिका उठाने के लिए तैयार नहीं है, ये तो शर्मनाक स्थिति है। हाँ वो दिख रहा है सर, सबको दिख रहा है, क्योंकि यदि प्रशासन अपने साथ में नहीं रहेगा, मोहल्लेवासी अपने साथ में नहीं रहेंगे तो ये काम होना नहीं है। तो मेरी ये अपील रहेगी प्रशासन से और मोहल्ले वालों से, हालांकि मोहल्ले वालों ने अच्छा सहयोग किया है, मोहल्ले वाले कचरे नहीं फैलाएंगे और हम अपना घर अपने घर के आगे सफाई रखेंगे, और यदि प्रशासन की नगर पालिका की जो गाड़ियां हैं वो समय पे आएगी तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ गंदगी होगी। सब पूरी विष्णु कॉलोनी के अंदर सभी सोच ले तो सारी विष्णु कॉलोनी साफ हो जाएगी सर। ये अभियान धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है, कैसा संदेश जा रहा? संदेश बहुत शानदार संदेश जा रहा है। मैं शिक्षक हूँ और शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ में 120 बच्चे रहते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा प्रशासन में यदि अफसर चाहे और प्रशासन को अलर्ट हो जाए और गांव वालों का सहयोग ले तो पूरा बाड़मेर साफ हो सकता है, कोई गंदगी नहीं रहेगी बिल्कुल, परंतु अपना घर अपन सब स्वच्छ रहेंगे तो सारा बाड़मेर स्वतः साफ हो जाएगा। यही संदेश रहेगा मेरा सर कि अपना घर साफ रखो, अपने घर के आगे गली साफ रखो, अपने घर के आगे नाली साफ रखनी है, और प्रशासन से अपील रहेगी कि वो समय समय पर सहयोग करे। विष्णु कॉलोनी निचली और कच्ची बस्ती में आती है, यहाँ जल भराव की समस्या हमेशा रहती है, शहर का कचरा इस कॉलोनी में लगातार आता रहता है। अब सीवरेज ने और कोड में खाज कर दी है, क्योंकि सीवरेज जो है जगह जगह खुली पड़ी है, कुड़ला तक सीवरेज का पानी नहीं जा रहा है, सड़कों के हालात विष्णु कॉलोनी के खराब है, मच्छर कबड़ी खेल रहे हैं, सूरों का यहाँ तांडव है, इस कॉलोनी के अंदर लोगों को रहना दुभर है। नगर परिषद और जिला प्रशासन को जागरूक होकर इस कॉलोनी के अंदर जन सुनवाई की कार्यक्रम रखना चाहिए, ताकि स्थानीय लोग समस्याएं उनको सुनवाए, कभी शहर में बता देते हैं, कभी ग्राम पंचायत में बता देते हैं, लेकिन यहाँ की कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग जो है परेशान हैं यहाँ के। लेकिन आज शिक्षण संस्थान आगे आई है, इससे पहले भी इस मोहल्ले की शिक्षण संस्थाएं आगे आई, लेकिन माणकराज हॉस्टल जो है मोहल्ले के लोग है उनकी अभी नव पहल है, कलेक्टर के अभियान के साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन नगर परिषद आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, उनकी लापरवाही और उनके जमादार तक साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ हमने एक प्लॉट देखा जहाँ कचरा जो है कई डंपर भरे, इतना डंप किया हुआ है, बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि इस नारकीय जीवन जी रहे हैं। शारदीय नवरात्रा आगे है, सफाई अभियान चल रहा है, माँ दुर्गा आदि शक्ति की पूजा अर्चना लोग मोहल्ले में करने वाले हैं, गर्भों के आयोजन होंगे, लेकिन गंदगी के अंबार और ढेर यहाँ है। कब जो है मच्छर के लिए छिड़काव होगा, सड़कें बनेगी, नालियां बनेगी, सीवरेज का काम होगा? तेजल मीडिया हमेशा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहा है। हम केवल शहर की समस्याएं नहीं उठाते हैं, बल्कि आम आदमी, एक व्यक्ति भी अगर घर की सफाई कर रहा है, मोहल्ले की सफाई कर रहा है, शिक्षण संस्थान आगे आई है, दानदाता भामाशाह आया है, उनकी रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चेतावनी भी है कि कचरा फैलाने वालों की भी खबरें की जाएगी। वो लोग सावधान हो जाएं, अपने मोहल्ले और घर को साफ रखें, लेकिन नगर परिषद जिम्मेदारी से लगातार भाग रही है। इन कॉलोनियों में कब आएगी, यहाँ के लोगों की सुनवाई कब करेगी, उनके कचरा उठाने वाले वाहन इन मोहल्लों में आने चाहिए, कहीं तार झूल रहे हैं तो कहीं पाइपलाइन टूटी हुई है, नालियां और सड़क केवल नाम की है। वैसे तो शहर का इलाका विष्णु कॉलोनी कहलाया जाता है, लेकिन स्थिति भयंकर है, नारकीय जीवन जी रहे हैं, यहाँ शहर जैसा कुछ भी नहीं है, गंदगी के अंबार है, बदबू है, कचरे के ढेर हैं, लोग बड़े परेशान हैं। आखिर कौन सुनवाई करेगा, शहरी सरकार या सरपंच अथवा जिले के प्रशासन अधिकारी हैं? जिला कलेक्टर महोदय को, अधिकारियों को निर्देश करना चाहिए, धरातल की रिपोर्ट तेजल मीडिया की देखकर इन गली कूचे में एक बार वो भ्रमण करें, तब उनको नव बाड़मेर की हकीकत का पता चलेगा। केवल शहर में लोग नहीं रहते, निचली कॉलोनियों में भी लोग रहते हैं, ये भी टैक्स भरते हैं, इन्होंने भी पट्टे में पैसा भरा है, रोड टैक्स देते हैं, यहाँ रहने वाले लोगों ने भी सरकार की आमदनी में भागीदारी निभाई है, तो केवल आज जो टैक्स का पैसा है वो शहर में नहीं लग करके मूलभूत सुविधाओं के लिए इन कॉलोनियों में भी लगना चाहिए। आज इन लोगों ने सफाई अभियान चलाया है, इनकी तो हम सराहना करते हैं, लेकिन जागो सरकार, जागो और भागो, इन कॉलोनियों में आओ। देखते रहिए तेजल मीडिया, नमस्कार।